हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि ब्लैक कलर की साड़ी है, रेड कलर की इसकी बॉर्डर है और बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइल्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको कौन सी अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली जो साड़ी है सिल्क की साड़ी है, ब्लैक कलर की, गोल्डन कलर के पैचेस दिए हुए हैं, रेड कलर की इसकी बॉर्डर है। आप देख ही सकते हैं पल्लू का भी पोर्शन रेड कलर का है। बहुत ब्यूटीफुल ये साड़ी है। सो यहाँ पर बेसिक राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर फर्स्ट ड्रिपिंग हम देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड है वो कंप्लीट करने के बाद जो पल्लू का पोर्शन है उसको अब हमें कुछ प्लेट्स में अरेंज कर लेना है और प्लेट्स की जो लेंथ है वो मीडियम रखेंगे, चौड़ाई और लंबाई है जो होती है पल्लू की वो हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है ताकि आपका लुक, अगर आपको लगता है कि स्लिम और टॉल दिखाई दे तो पल्लू का जो लेंथ होता है, लंबाई होती है, वो थोड़ी बड़ी रखेंगे। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अच्छे से सेट करते हुए मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाकर इसको सेट कर रही हूँ ताकि पल्लू का जो पोर्शन है वो नीट एंड क्लीन लगेगा। तो सेफ्टी पिन ज़रूर लगानी है। अगर आपकी सिल्क की साड़ी है, फ्लफ़ी साड़ी है और नीट एंड क्लीन लुक नहीं आता है तो वो उसी की वजह से नहीं आता। अगर आप सेफ्टी पिन्स लगाकर इसको अच्छे से सेट करते हैं तो नीट एंड क्लीन लुक आने में हेल्प हो जाती है। अब देखिएगा सेकंड वाला टिप ये है कि आप जो भी प्लेट्स बनाती हैं उनको हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जहाँ पर आपके प्लेट्स आते हैं वहीं पर। इससे नीट एंड क्लीन लुक आने में हेल्प हो जाती है। अब हमने लेफ्ट वाले शोल्डर पर पल्लू का पोर्शन सेफ्टी पिन लगाकर सेट कर लिया। अभी बाकी का सामने का जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम लेंगे और इस तरीके से प्लेट्स में इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे ताकि जो कोई भी फ्लफीनेस हमारे प्लेट्स में आई है वो कम हो जाए, सामने का लुक नीट एंड क्लीन लगे। सिर्फ पल्लू ही नीट एंड क्लीन करने से नहीं चलेगा, हमारे जो प्लेट्स आते हैं उनको तो हमें नीट एंड क्लीन लुक देना ही है। इसी की वजह से हमारा जो लुक है वो अच्छा आता है। सो कुछ इस तरीके से हाथ से अपने आप ही आप अगर प्रेस करते जाएंगे तो आप देखोगे कि एकदम परफेक्ट प्लेट्स आपके आते हैं। और जहाँ पर नीचे की बॉर्डर आती है उसको नहीं भूलना है, बॉर्डर पर ही ज़्यादा फ्लफीनेस होता है। सो इस तरीके से अच्छे से सेट करने के बाद हम इसको कमर में टकिंग कर देंगे। सिल्क की साड़ी होती है वो दिखने में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन ये जो साड़ीज़ है फ्लफीनेस इसमें होता है तो नीट एंड क्लीन लुक नहीं लगता। लेकिन हम फंक्शन में इसी तरीके की जो ड्रिपिंग्स है वो करते हैं सारी। सो देखिएगा इस तरीके से यहाँ पर वन साइड से रिंकल्स आ जाते हैं हमारे। सामने की तरफ से हमने पल्लू का पोर्शन डाला हुआ है, पीछे से अब जो पल्लू हमारा है वहाँ पर जो सेफ्टी पिन हमने लगाई थी वो निकाल देंगे। और सेफ्टी पिन निकालने के बाद आप देखोगे कि आपका जो पल्लू है उसका फ्लफीनेस एकदम कम हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर है उसको लेंगे और कॉर्नर को जहाँ पर हमने पल्लू सेट किया था उसके नीचे हमें इसको सेफ्टी पिन लेते हुए सेट कर लेना है। पल्लू का पोर्शन जो प्लेट्स बनाई थी उसको ऊपर की तरफ डाल देंगे और जो भी पल्लू बनाया था उसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से। पीछे से ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसको अब हम वेस्ट बैंड लगाएंगे। वेस्ट बैंड ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इससे एकदम अच्छा लुक आपका आएगा। और अगर आप इस तरीके की साड़ी किसी वेडिंग में वगैरह पहनना चाहते हैं तो एकदम बहुत सुंदर रिच लुक हमारा लगेगा। सो फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। तो आपको कैसा लगा फटाफट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सुंदर ये लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं बेल्ट लगाने के बाद कुछ इस तरीके से आते हैं। यहाँ पर जो प्लेट्स हमारे आते हैं एक तरफ रिंकल्स आते हैं वो भी नीट एंड क्लीन हमारे दिखाई देते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड स्टाइल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ साउथ लहंगा ड्रेपिंग शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए जो भी एंड वाला कॉर्नर है उसको सबसे पहले लेंगे और वन बाय वन इसके प्लेट्स में हम इसको अरेंज कर लेंगे। आप देख ही सकते हैं कि मैंने स्कर्ट वेयर किया हुआ है, इसमें स्कर्ट ज़रूर वेयर कर लीजिएगा। आपके पास अगर साड़ी पर मैचिंग स्कर्ट है तो बहुत अच्छी बात होगी। सो देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से सारे प्लेट्स अरेंज करेंगे, पल्लू का पोर्शन इतना कुछ हम छोड़ देंगे। अभी प्लेट्स बनाई है तो उसे अरेंज भी ज़रूर करना है, नहीं तो फ्लफीनेस हमारा रह जाएगा। तो देखिएगा फ्लफीनेस तो हमें लहंगे में चाहिए ही होता है, लेकिन
नीट एंड क्लीन लुक यहाँ पर ज़रूरी होता है, सो इसीलिए प्लेट्स को अरेंज ज़रूर कीजिएगा। अब अरेंज करने के बाद इस तरीके से प्लेट्स को हम कुछ इस तरीके से फैलाएंगे, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, कुछ इस तरीके से फैलाएंगे। और फैलाने के बाद अब यहाँ पर राइट साइड का जो एंड वाला कॉर्नर था उसको नीचे से लेते हुए इस तरीके से एक दो प्लेट्स बनाएंगे और इन प्लेट्स को पीछे की साइड में हम टक इन कर देंगे कुछ इस तरीके से। सो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप देख ही सकते हैं कि एक तरफ से हमारे रिंकल्स आए हैं जो कि राइट साइड में है। सो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी हम जो पल्लू का पोर्शन बचा हुआ है उसको लेंगे और इसको अब हमें प्लेट्स में अरेंज कर लेना है। ये जो ड्रेपिंग है ये साउथ स्टाइल लहंगा है, इसको वेरा लक्ष्मी ड्रेप भी ज़रूर कहा जाता है। कोई महाराष्ट्र में भी अगर कोई पूजा वगैरह हो तो नारियल को हम इस तरीके से कपड़े के साथ बनाते हैं, तो इस तरीके से अगर हम बनाएंगे लुक तो और भी सुंदर लगता है। और ये हम इस तरीके से ट्राई करते हैं तो साउथ स्टाइल लहंगा हमारा रेडी हो जाता है। सो पल्लू को इस तरीके से लेंगे पीछे से सामने की तरफ, राइट साइड से राइट शोल्डर पर हमें डालना है और यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा लेनी है। पल्लू का जो पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से हम सेट ज़रूर कर लेंगे और सेफ्टी पिन लगाने के बाद कुछ इस तरीके का लुक ही आता है। पीछे से आप देख सकते हैं स्कर्ट दिखाई दे रहा है, मैचिंग कलर का स्कर्ट होगा। अब यहाँ पर होगा तो और भी सुंदर ये लुक लगेगा। सो देखिएगा ये कुछ फाइनल इस तरीके से आया है। वेस्ट पैंट मैंने वेयर किया है, लगा लिया है, तो फाइनल लुक ये इस तरीके से दिखाई देता है। बहुत सुंदर ये लगता है, एक अलग तरीके की ड्रिपिंग आपकी हो जाएगी। ज़रूर ट्राई करके मुझे आप चाहे तो इंस्टा पर भी टैग कर सकते हैं। सो आपको ये लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड स्टाइल की तरफ, जो कि एक साड़ी फ्रॉक है। साड़ी से ही कन्वर्ट करेंगे हम एक ड्रेप में। तो देखिएगा जहाँ पर पल्लू का पोर्शन है उसको लेना है, पल्लू के पोर्शन को कॉर्नर को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और इस तरीके से ट्विस्ट करने के बाद इस तरीके से, तो देखिएगा यहाँ पर एक नॉट हम बना लेंगे और नॉट बना लेने के बाद सामने का कुछ पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब राइट साइड से हम सेफ्टी पिन लगा लेंगे, एक दो सेफ्टी पिन लगा लेंगे, बाद में एक रबर बैंड की ज़रूरत हमें ज़रूर पड़ेगी। इसको लेके हम कमर में कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक नॉट बना लेंगे। ऊपर का जो भी पोर्शन है, जो भी फैब्रिक हमारा खींचा खींचा है, अनइवन है, उसको हम कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ करेंगे तो ये ऊपर का फैब्रिक हमारा एक अच्छी इवन लुक इसका आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे का जो फैब्रिक है साड़ी का उसको हमें लेना है और लेते हुए यहाँ पर अब मैं इसको कुछ प्लेट्स में अरेंज कर लूँगी। वन बाय वन प्लेट्स में अरेंज करेंगे। बीच में हम मीडियम लेंथ, जो एक जैसी होनी चाहिए उतनी लेंथ हम यहाँ पर छोड़ देंगे। पूरी जो बची हुई फैब्रिक है उसको प्लेट्स में ज़रूर अरेंज करेंगे कुछ इस तरीके से। और अरेंज करने के बाद यहाँ पर एक तरफ से जो भी हमारा फैब्रिक आएगा वो थोड़ा सा अनइवन हो जाता है। यहाँ पर ये प्लेट्स आप देख ही सकते हैं, प्लेट्स को अच्छे से अरेंज ज़रूर कर लेंगे। इसकी जो लेंथ है आप देख सकते हैं, स्कर्ट मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ वेयर किया है, तो आप जितनी लेंथ में ये ड्रेपिंग करना चाहे उतनी कर सकते हैं। यहाँ पर जो अनइवन प्लेट्स हैं हमारी उसको अब मैं कुछ यहाँ पर इस तरीके से टक इन कर दूँगी पहले, तो क्योंकि हमारा ऊपर तक की तरफ थोड़ा सा फैब्रिक गया था तो अनइवन प्लेट्स हमारी यहाँ पर बन जाती है। अब जो एक जैसे हमारी प्लेट्स बन चुकी है उन सारी प्लेट्स को हम कुछ इस तरीके से लेंगे और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हुए प्लेट्स को हम कमर में रबर बैंड में टक इन करते जाएंगे। नीचे से आपको जितनी लेंथ में ये ड्रेप चाहिए उतनी आप रख सकते हैं। सो देखिएगा कुछ इस तरीके से प्लेट्स को हम वन बाय वन यहाँ पर अरेंज करते हुए जाएंगे अच्छे से। इसको अब हमें कुछ इसी तरीके से अरेंज करना है नीट एंड क्लीन। सामने की तरफ से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और एक कपड़े की पिन यहाँ पर ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप जहाँ पर प्लेट्स अरेंज करते हैं तब ये बाकी की प्लेट्स निकल सकती है। इसलिए अब सामने का पोर्शन हो गया, पीछे से भी हम इसी तरीके से यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, हाफ शोल्डर ड्रेप हमारा यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर जो खुला हुआ पोर्शन आएगा तो दो सेफ्टी पिन हम यहाँ पर लगा लेंगे, तो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। सो कुछ इस तरीके का ये फाइनल लुक हमारा लगता है। जो भी प्लेट्स हमारी आए हैं उसको अब मैं अच्छे से अरेंज करने के बाद एक वेस्ट पैंट लगा लूँगी और वेस्ट पैंट लगाने के बाद आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से ये हमारा ड्रेप
आया है। बहुत ही सुंदर ये लगता है, साड़ी से ही हम ड्रेस को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर नो कटिंग, नो स्टिचिंग, सिर्फ हम साड़ी से कितनी इजी तरीके से ये ड्रेस बना सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड स्टाइल की तरफ, जो कि है नववारी रेपिंग, जो कि हम 6 yard साड़ी, हमारी जो 9 yard साड़ी होती है उसके साथ क्रिएट किया जाता है महाराष्ट्र में ये लुक। लेकिन हम जो हमारी नॉर्मल साड़ी है 6 yard की, उसी के साथ ये ड्रेप जो है तो क्रिएट करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें पीछे से फैब्रिक लाना है और सामने की तरफ एक नॉट बना लेनी है। आप देख ही सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड से कम फैब्रिक है, राइट साइड से ज़्यादा फैब्रिक है। यहाँ पर ये जो फैब्रिक है, इसको पैर के नीचे से इस तरीके से निकालेंगे और इसको कुछ इस तरीके से प्लेट्स में अरेंज करने के बाद हम पीछे से इसको, ये जो सामने की तरफ से हमारी बॉर्डर आई है उसको पहले अरेंज करेंगे, एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे और पीछे से हम इसको टकिन कर देंगे। पीछे से साड़ी की बॉर्डर मैंने टकिन कर दी है, धोती ड्रेप में सामने की तरफ से हम टकिन करते हैं। अभी राइट साइड का जो पोर्शन है, फैब्रिक है, उसको भी इसी तरीके से पैर से निकालेंगे और निकालने के बाद यहाँ पर अब मैं इसको कुछ इस तरीके से प्लेट्स में अरेंज करना चाहूँगी। वन बाय वन अच्छी तरीके से सेट करेंगे और आप चाहे तो यहाँ पर भी सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। और पल्लू का पोर्शन भी मैं काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर रखना चाहूँगी। सो देखिएगा, सेफ्टी पिन लगाने के बाद नीचे की जो फैब्रिक है अच्छी हुई है, उसको भी हम इसी तरीके से सेट करेंगे। ये ड्रेपिंग भी बहुत सुंदर लगती है, सिर्फ के साड़ी के साथ और भी मज़ेदार ये लगेगी। सो इस तरीके से प्लेट्स को अरेंज करेंगे, पल्लू को हम अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद अब मैं लेफ्ट वाले शोल्डर पर इसको डाल दूँगी और एक सेफ्टी पिन हम लगा लेंगे। पीछे से, नीचे से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फैब्रिक हमारा आएगा। ये जो फैब्रिक है राइट साइड में आया हुआ, तो देखिएगा यहाँ पर एक दो प्लेट्स हम बना लेंगे और प्लेट्स बनाने के बाद जो हमने पहली जो बॉर्डर टक की थी पीछे से, उसके नीचे इसको रखना है और ऊपर से जो बॉर्डर हमने टक की थी उसको इस तरीके से टकिंग कर देंगे। तो पीछे से हमारी बॉर्डर आ जाती है, सामने की तरफ से ये लुक कुछ इस तरीके से आता है। तो दोस्तों, ये फाइनल लुक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सो आपको कौन सी ड्रेपिंग स्टाइल अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।